गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यवसाय शिक्षक दीपक सिंह मणिपुरा से। और ये एक कल नोटिस निकली थी, उस हिसाब से कक्षा 11 के छात्र जो है 20 तारीख फार्म ले लें और फॉर्म लेके अपना उसको भर के और उसमें हाई स्कूल मार्कशीट लगा के और आधार कार्ड फ़ोटो, और उसमें विषय में आप जो है विषय छोड़ भी सकते हैं, विषय का कालम, और कॉलेज में आप मुझसे मिलके उसको भरवा भी सकते हैं। फिलहाल तो मैं आपको नई शिक्षा नीति की तरफ ले जाऊंगा कि नई शिक्षा नीति जो लागू हो रही है 2020 की, इसमें धीरे धीरे ये लागू होगी चरणों में, और इसमें व्यवसायिक शिक्षा को बहुत तेज़ी से बढ़ावा दिया गया। आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा 50% व्यवसायिक शिक्षा में, तो ये जल्दी से जल्दी 100% हर स्कूलों में इसको लागू किया जाएगा, और जैसी संभावनाएं दिख रही हैं। व्यवसायिक शिक्षा के फायदे क्या हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कोई भी एग्ज़ाम बोर्ड में आप पास होते हैं, तो उसमें अब आपको कोई भी 5 विषय आप लेके, जैसा कि पेपर में कल था कि कोई 5 विषय 100-100 नंबर का ले लीजिए, और तो उस हिसाब से व्यवसायिक शिक्षा का जहाँ स्थान है, ये 1986 में, मैंने पहले भी आपको बताया पिछले वीडियो में भी इसकी व्याख्या की है, कि ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी व्यवसायिक शिक्षा, 1986 से लागू है। इसमें टीचर्स भी हैं, लेकिन ये ज़्यादा प्रगति नहीं कर पाई, इसलिए कुछ लोगों को, अभिभावकों को, ये विशेष तौर पर मैं कक्षा 11 के छात्रों के अभिभावकों के लिए कह रहा हूँ, कि जानकारी नहीं हो पाई। और करीब 28 साल से मेरा अपना अनुभव है कि जो भी छात्र व्यवसाय के निकले हैं वो बेकार नहीं है, और उसमें एक NCC का एक बेनिफिट हो जाता है हमारे कॉलेज से पा जाने पर। कुछ आधे छात्र हमारे उधर निकल जाते हैं, और आधे लगभग, मैं आपको आगे बताता हूँ, बोर्ड एग्ज़ाम में आप 70-80% से पास होने की 90% गारंटी है। अगर 20 लड़के हैं तो हमारे 20 पास होते हैं, 10% हम मान लेते हैं क्योंकि टेक्निकल हैं, इसलिए थोड़ा सा एरर मान लेते हैं, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं है आज तक, कोई मेरे विषय में नहीं फेल हुआ है। डिक्टेंशन सबको मिला है व्यवसायिक शिक्षा में, 4 विषय पढ़ने होते हैं, और मैं अपने 12 के छात्रों से भी कहूँगा कि ये थोड़ा सा इसको फॉरवर्ड करें, कक्षा 11 में जो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसमें कोई फेल नहीं होता, नकल की आवश्यकता नहीं है। आप पिछले साल के छात्रों से पूछ भी सकते हैं, और ग्रुप में आप है ही हैं, उनके नंबर लेके बात कर सकते हैं। 12वीं परीक्षा में कोई परीक्षा जैसे फिर निकलती है, 12 परीक्षा पास होते हैं आप 70-80% से, आप सिपाही की, आप मान लीजिए आप गांव में से हैं, तो हम मान के चलते हैं कंपटीशन की छोटी तैयारी करेंगे, सिपाही दरोगा और SSC लेखपाल, यही सब तो आराम से कर सकते हैं। मेरे कई लड़के छात्र जो है इस लाइन में भी हैं। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड, देखिए रेडियो एंड टीवी, मैंने आपको बताया कि ये इसका एक बहुत ही बढ़ता हुआ बाजार है, ये स्वरोजगार के रूप में है आज की डेट में, आप चट्टी चौराहों पर देखेंगे, लेकिन इनके पास ये जानकारी नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड क्या होता है। तो जो 4 विषय आप पढ़ते हैं, इसमें 5 चैप्टर में हम इसको समझाते हैं और प्रैक्टिकल कराते हैं, साथ ही साथ एक सामान आधारित विषय पढ़ाते हैं जिसमें पर्यावरण, उद्यमता का विकास और ग्रामीण विकास, तो ये 100 नंबर का, और 100 नंबर की हिंदी, और 1 नंबर का कोई 100 नंबर अपना पेपर ले लीजिए। तो ये विषय 94 से कम ये मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें आप जो है, मैंने पिछले वीडियो में भी दिया है, आप चाहें तो सुन के देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या है। NCC की भी सुविधा हमारे यहाँ है, और सभी छात्रों को नहीं, तैयारी तो करनी पड़ती है, जो उसमें आते हैं 30-35 सीटें हैं, तो उसमें अपना वो सेलेक्ट होते हैं। उसके लिए भी आप वीडियो देख सकते हैं कि कब आई थी, कब कैसे आई थी, नहीं आई थी, वो आप समझ सकते हैं। और तैयारी करने के लिए भी आपको 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम आराम से मिल जाता है, जिससे कि आप जो है कोई परीक्षा SSC लेखपाल सिपाही आदि कर सकते हैं। 7वीं खास बात ये हम कहेंगे कि पॉलिटेक्निक में के ग्रुप में आप जाइए, प्रॉस्पेक्टस खोलिए, उसमें ITI और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले लड़कों के साथ व्यवसायिक के शिक्षा के छात्रों को भी जो है ये मत दिया जाता है सेकंड ईयर में एडमिशन। आप ये सबूत है, आप देख सकते हैं। प्राइवेट नौकरी आप कभी भी कर सकते हैं, जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार इसके लिए खुला हुआ है, दिल्ली से लेकर मुंबई तक हर जगह आपकी इलेक्ट्रॉनिक की जानकारी आपको जो है नौकरी दिला देगी, और ज़्यादा जानकारी अगर आपके पास है तो अच्छी नौकरी दिला देगी।
और घर से भी आप ये काम कर सकते हैं, जो कि मैं इस साल प्रैक्टिकल में करूंगा एक छात्र के साथ। ये पार्ट टाइम में जो है इसको आप गारंटेड बल्ब बना सकते हैं एलईडी का, अब तो छोटे छोटे हैं, और गारंटेड मोबाइल चार्जर बना सकते हैं। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई भी हैं, और माइक्रो टीचिंग एलईडी में या मोबाइल चार्जर में दो डायोड ब्रिज डायोड वाला लगा के तो आप आराम से वारंटी, तो किसी भी बल्ब की अगर आप अपने से बनाएंगे तो उसकी आप 10 साल ले सकते हैं, क्योंकि उसका जो सामान खर्चा होगा वही कस्टमर देगा और उसी में आपको एक रुपया दो रुपया मिल जाएगा। बड़े आराम से आप जो है एक छोटी सी दुकान से शुरुआत कर सकते हैं। तो पार्ट टाइम जॉब भी है ये, आप सुबह शाम बैठते हैं तो आपका नाम भी होगा, और साथ ही साथ अगर आपकी जानकारी बढ़ाती, इंटरेस्ट आपका बढ़ता गया। देखिए बेसिक चीज़ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कहाँ है आपका? आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में नाम लिखा लेने से लड़के फेल हो जाते हैं, और इसलिए इस बार पुलिस परीक्षा लागू की गई है कि जो है उसमें जो हर आदमी ना घुस जाए, क्योंकि आप फेल होंगे या कोई बात होगी तो उससे कॉलेज की रेपुटेशन ख़राब होती है, और फिर एनसीसी भी अगर है तो वो भी, उसमें भी आपको दिक्कत होती है। तो बेहतर यह है कि आप व्यवसायिक शिक्षा को अपनाएं, इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, फेल होने की तो गारंटी नहीं, और बढ़िया 12 पास करके आप तैयारी करिए, और या फिर अपना रोज़गार करिए या नौकरी करिए, सरकारी मिल जाए तो ठीक, प्राइवेट मिल जाए तो ठीक, और नहीं मिले तो अपना हाथ तो आपका ही है, आप अपने हाथ से ये करें। और ये इस बार मैं एक प्रैक्टिकल स्कूल लगाऊंगा आपको, आपको दिखाऊंगा इस चीज़ को करके, अपने गांव में ही दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, और इसका वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा साल भर लगेगा इस वीडियो बनाने में, क्योंकि स्टार्टअप बनाने में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक को और एग्रीकल्चर से जोड़ते हुए तो थोड़ा सा, क्योंकि ग्रामीण विकास भी है तो ग्रामीण विकास में हम थोड़ा एग्रीकल्चर को भी जोड़ेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स को जोड़ते हुए आपको हम दिखाएंगे कि दोनों का एक बढ़िया संजोग है, और इसके अंदर आप पढ़ते भी हैं व्यावसायिक शिक्षा में इलेक्ट्रॉनिक्स और सामान्य आधारित विषय, और एक विषय हिंदी सामान्य विज्ञान वाली, और एक जो आप चुनते हैं चाहे इतिहास भूगोल जो भी चुन लें, तो चार विषय ये पढ़ते हैं, 1000 का नंबर होता है, मैंने बार बार बताया आपको। और इस बार मेरे सारे छात्र करीब 70-80% से सब पास हैं, और हर साल की तरह से, तो मैं उनको हर वीडियो में बधाई जरूर देता हूं, और उनसे थोड़ी उम्मीद करता हूं कि कक्षा 11 के छात्रों को भी ये बात बताएं, अपना लाभ मिले लेकिन दूसरों को भी थोड़ा सा लाभ दें, क्योंकि उस क्षेत्र में मलिकपुरा है, मधुबन बुरकुड़ा है और मर्दा है, ये तीन ही कॉलेजों में ये शिक्षा है, तो थोड़ी दूरी पड़ जाती है, लोगों की जानकारी नहीं रहती है, तो आप लोग ही इसको थोड़ा सा शेयर करेंगे तो थोड़ा सा काम हो जाएगा, और इस हमारी जो है व्यवसायिक शिक्षा को थोड़ा सा बल मिलेगा जिससे आप पढ़े हुए हैं। और छात्रों को भेजें, मैं उनको 20 तारीख को एग्ज़ाम देना ही है, एग्ज़ाम दें, फॉर्म लें, उसमें विषय छोड़ के आप बाकी कॉलम भरें और एग्ज़ाम दें, एग्ज़ाम के बाद फिर आपसे मिल के या हमसे मिल के ही फॉर्म भरा लें, बता दें हम 20 तारीख को एग्ज़ाम जरूर दें जिनको 11 में एडमिशन लेना है, और 20 तारीख वही 9 से, मैंने नोटिस आपको दे भी दिया, बता दिया 9 से 11 है, 9 से 11 में आप रह के एग्ज़ाम 2 घंटे का दें। मैनी मैनी थैंक्स आपको छात्रों, और थोड़ा सा वीडियो अगर मैं कोशिश तो नहीं करता कि आपके लिए थोड़ा सा बोरिंग हो, लेकिन जहाँ तक जिस लड़ाई पर मैं हूँ व्यवसायिक शिक्षा आज तो पूरे देश प्रदेश में है, बात हो रही है, चर्चा हो रही है, लेकिन इसमें मैं 28 साल से मैं लगा हूँ कि ये शिक्षा बहुत ही अच्छी शिक्षा है। मैं आपको इसके कई उदाहरण मेरे वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे, आप देख लें, और छात्रों से भी पूछ लें, जिसमें छात्रों का भी इंटरव्यू है, और मैं यही कहूँगा कि आप जो है थोड़ा सा, जैसे कि सरकार ने कह दिया कि कोई विषय लेके पढ़ो, मतलब 12 में कोई महत्व नहीं है 12 का, तो 12 का महत्व वही है कि जिसके पास नॉलेज है, जिसने तैयारी 11-12 कर लिया बैठ के दो दो घंटा सुबह शाम एसएससी सिपाही लेखपाल, तो 12 के बाद वो आराम से ग्राम पंचायत की परीक्षा भी निकाल सकता है, 12 के बाद उसको BCA करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से अपनी एक छोटी नौकरी ले ले, और चूंकि हम लोग ग्रामीण से हैं तो हमारा ठीक है, हम नीचे से भी कर लेंगे, और ऊपर अगर कोई बढ़ना चाहेगा तो BA भी कर सकता है इससे, और BCOM भी कर सकता है, इसके लिए कोई आपको रोक टोक नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आप फिजिक्स BSc नहीं कर सकते,
हाँ पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं ले सकते। तो आप डिप्लोमा होल्डर हो सकते हैं, या अगर आप चाहें तो ITI पढ़ के और अपनी योग्यता को बढ़ा लें और इसमें आप अपना अच्छा अच्छा योगदान दें, ताकि जिससे आपको घर में भी आप पार्ट टाइम एक जॉब क्रिएट कर सकते हैं। और मैं इस चीज़ को आपको इस बार दिखाऊंगा अपने गांव में, एक घर में जिसके घर में ये चीज़ नहीं है एग्रीकल्चर वाली की, और एग्रीकल्चर वाली तो गांव में नहीं है, और जो ये पार्ट टाइम वाला जॉब है ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, ये आप प्रैक्टिकली इस साल मैं आपको दिखाऊंगा भी कि ये इस तरह से हो रहा है। और आप लोग एडमिशन लें तो आप लोग भी उसमें मैं आप लोगों को शरीक करूँगा, क्योंकि साथ ही साथ थ्योरी साथ ही साथ प्रैक्टिकल, तो दोनों चीज़ वो एक आदमी व्यावसायिक रूप से करता रहेगा। अगर आप भी चाहेंगे तो पार्ट टाइम आप इसको भी कर सकते हैं, आप पार्ट टाइम में बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास उम्र है और आपके पास बहुत सी चीज़ें हैं, पढ़ने के लिए भी समय है। और अगर कोई बेरोज़गार आपको मिल जाता है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप ही करें, कोई भी मिल जाए तो उसको भी आप ये फ़ायदा दे सकते हैं, तो आपका ज़िंदगी भर एहसान तो मानेगा ही, इतना ही कि आदमी ने बताया था। वीडियो लंबा नहीं करना चाहता मैं छात्रों, और आपसे यही उम्मीद रखूँगा कि 28 साल की मेरी अपने छोटी सी मेहनत को आप लोग थोड़ा सा दीजिए, और घबराइए मत, आपके पास बहुत कुछ है, आप बस बताने की दिशा की ज़रूरत है। और मेरे अपने छात्र तो लगभग हैं, लेकिन और देख के थोड़ा सा होता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि लगभग इस साल हर कॉलेज में इस चीज़ को व्यवसायिक को बढ़ावा मैं दूँ पर्सनल व्यक्तिगत रूप से, और इसके लिए मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं है, और अकेले जो है अपना एक छात्र लेके मैं इसको हर स्कूलों में, करीब खाकी बाबा इंटर कॉलेज कह लीजिए चाहे जहाँ भी कह लीजिए, अपने तहसील में मैं आपको हर 12 के लड़कों को ज़रूर बताऊंगा कि आप जो है स्वरोजगार भी हो सकते हो, और चाहे व्यवसाय शिक्षा पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, तो भाई हर जगह है ही नहीं है, भुरकुड़ा में है, मलिकपुरा में है, मरदा में है। मैनी मैनी थैंक्स छात्रों आपका, और एक मलसा में है और एक 12 में है और एक आदर्श इंटर कॉलेज महुआबाग में है, तो जो शहर के बच्चे हैं वो शहर में पढ़ सकते हैं इस चीज़ को। और मेरा कांटेक्ट नंबर है ही है, आप मुझसे मदद भी ले सकते हैं, यूट्यूब चैनल भी है तो इस पर भी मदद ले सकते हैं। मैं आज तक आप लोगों से वही मतलब जो छात्रों ने बना दिया तो वही है, और जो कुछ अपने से बना लेता हूँ मोबाइल पुराना है, बाकी आप लोग खुद समझ सकते हैं कि मतलब अगर शिक्षा जो है दान करने की चीज़ होती है, और शिक्षा जो है ये नहीं पढ़ा बताती कि आप सिर्फ पैसा कमाओ, शिक्षा आपको पैसा कमाने के साथ साथ संस्कार भी देती है, और वो संस्कार में आप अगर पूरी तरह से हैं तो थोड़ा सा लक्ष्मी दूर होती है, ये तो इतनी दो राय नहीं है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा व्यवसायिक रहें, और थोड़ा व्यवसायिक रहें और थोड़ा आप दूसरों को भी बताएं, बिल्कुल वो अगर आपको लगता है तो उन्हें आप मुझसे डायरेक्ट मिलाएं, मैं उनको व्यवसायिक शिक्षा के थोड़ा से दिन में, ज़्यादा नहीं लगेगा 10 दिन के अंदर अंदर मैं उनको ट्रेंड कर दूंगा कि वो अपना 100, 200, 500, 1000 जो भी उनकी कैपेसिटी होगी वो कमा सकते हैं, प्रतिदिन कमा सकते हैं। तो व्यावसायिक शिक्षा में ये दम है। मैनी मैनी थैंक्स।